आज हम लोग करते हैं रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। कब प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे और कब इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, ध्यान से देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस की स्पेशलिटी क्या होगी। जैसे मान लो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, कोई प्रोसेस दिखाया जा रहा है इस कर्व के थ्रू, तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। सबसे पहली कंडीशन है रिवर्सिबल की वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। और इतना स्लो प्रोसेस बोलते हैं इसको, इट कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट टाइम। अब इनफाइनाइट टाइम बोल दिया, इसका मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तभी इनफाइनाइट बोल दिया, यानी कंप्लीट जल्दी से तो होगा नहीं, इनफाइनाइट टाइम बोल दिया। बहुत स्लो प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप सोचो तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एक आइडियल प्रोसेस कह सकते हो। एग्जैक्टली तो ऐसे प्रोसेस होते नहीं है, एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, ये बहुत ही स्लो होगा, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। इसमें अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस वेरी स्मॉल पोर्शंस और फ्रैक्शंस आर प्रेजेंट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये प्रोसेस हो रहा है, ए से स्टार्ट होके बी स्टेट पे जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको। और क्या स्पेशलिटी है इसकी कि किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा सराउंडिंग के, किसी भी पॉइंट पे। जैसे मान लो तुमने इस पॉइंट पे इसको देखा तो इस पॉइंट पे भी ये क्या होगा, सराउंडिंग से इक्विलिब्रियम में होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को देखें तो वो सराउंडिंग से क्या, किस में होता है, इक्विलिब्रियम में। तो एट ईच पॉइंट इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। अच्छा, जैसा नाम से लग रहा है रिवर्सिबल, इसका मतलब धीरे धीरे हो रहा है। मान लो यहां से यहां आया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। मान लो सिस्टम इस जगह पे आया, यहाँ से यहाँ आया, तो इधर से इधर आया, ये अपोजिट भी हो सकता है, मतलब रिवर्स हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। रिवर्सिबल वर्ड का मतलब तो यही है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवर्स कर सकते हैं। बट इट इज आइडियल कह सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, बट इट इज आइडियल बिकॉज परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। अब जहां पे किसी क्वेश्चन में, किसी सिस्टम में बोल देंगे रिवर्सिबल है तो मान लेंगे कि रिवर्सिबल है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है प्रैक्टिकल। हाँ, एग्जांपल दे रहे हैं, भी बताते हैं।
पहली पहचान क्या है प्रोसेस में कि ये रिवर्स हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरी पहचान है रिवर्सिबल प्रोसेस की, बहुत स्लो होगा, इनफाइनाइट टाइम में क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसको एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्ट में आप ब्रेक करके देख सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करके आप देख सकते हो। इसमें आप बोल सकते हो एन नंबर ऑफ पार्ट्स हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ प्रोसेस हो रहे हैं, जिनको मिला करके कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, पूरे प्रोसेस को बोल सकते हैं। दूसरी चीज, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आइडियल सिचुएशन है, पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये सारे पॉइंट नोट होगा तो एक एग्जांपल से बात करते हैं। हो गए, अपना एरिया, एरिया मतलब क्या कहते हैं, अपना जो थर्मोडायनेमिक्स में जितना हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, सिस्टम ज्यादातर हमारा होगा गैस का, आइडियल गैस का, हमें केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में पढ़ना है ना, तो हमारा जो सिस्टम होगा ज्यादातर वो कौन सा होगा, आइडियल गैस का होगा। इसलिए बहुत सारी कंडीशंस हमको नहीं पढ़नी है, हमको क्या पढ़ना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का लिमिटेड वर्जन ही पढ़ना है। बहुत ज्यादा ऐसा केमिस्ट्री की स्टडी में हमारे नहीं। अब देखो, जैसे मान लो, सपोज ये कोई सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, गैसेस में थर्मोडायनेमिक्स में हम दो तरीके की चीजें देखेंगे, एक प्रोसेस को बोलते हैं कंप्रेशन, एक प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपेंशन। जैसे मान लो ऊपर से आप फोर्स लगाओ, तो ऊपर से फोर्स लगाओगे, अगर गैस से ऊपर से प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो कंप्रेस होगी गैस, वॉल्यूम उसका कम होगा, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि गैस, अंदर की जो गैस है, अगर ये वर्क करने लगे तो ये जो पिस्टन है, इसको बोलते पिस्टन, इस पिस्टन को भी ऊपर उठा सकती है ना। अगर नीचे से नीचे की तरफ का प्रेशर ज्यादा हो, ऊपर की तरफ का प्रेशर कम हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि गैस धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगे। तो गैस में पिस्टन मतलब, जैसे ये सिलेंडर है ना, अब सिलेंडर के ऊपर आपने कोई ऐसी चीज लगा दी, जो इस तरीके की कवरिंग लगा दी जो मूवेबल है, जब नीचे से फोर्स ज्यादा लगे तो वो पिस्टन क्या हो सकता है, वो जो कवरिंग है वो थोड़ी सी ऊपर भी शिफ्ट हो सकती है, अगर ऊपर से ज्यादा हो तो नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इंजेक्शन में, हाँ, इन्होंने बताया जो अपनी सिरिंज होती है ना, उसमें जिस तरीके का सिस्टम होता है, अगर थोड़ा ध्यान दे, देखा हो किसी ने, काइंड ऑफ कह सकते हैं, ऐसे समझे ये कोई सिलेंडर है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, जो ऑब्स्टेकल प्रेशर से ऊपर या नीचे जा सकता है, डिपेंड करेगा किस तरफ का प्रेशर ज्यादा है। अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो नीचे की तरफ आएगा पिस्टन, अगर नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ। नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो गैस क्या हो रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर पिस्टन यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन होगा गैस में, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन, ठीक। ये तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात हो गई, हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस कब होगा रिवर्सिबल। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि इसमें कंप्रेशन कराएं, क्या कराएं हम, इसमें गैस में कंप्रेशन कराएं। अब हम कंप्रेशन कैसे करा रहे हैं, देखो हमारे पास सैंड पार्टिकल पड़े हुए थे, ठीक है, और हर्ष को हमने बोला ऐसा है कि ये सैंड पार्टिकल इसके ऊपर रखने, और हाँ, इसके ऊपर ये जो भी इसकी नॉब है, इसके ऊपर रखना है, जिससे कि पिस्टन नीचे की तरफ
तो हर्ष इतने अकलमंद है, हर्ष ने क्या किया कि हर्ष यहाँ पे बैठ गए पिस्टन के बगल में आराम से। ये हर्ष बैठे हुए हैं ठीक है, और क्या कर रहे हैं? और सुनिए, अरे मुद्दे की बात सुन, तुम तो हंसने में लग गए, मुद्दे की बात नहीं सुन। ये हर्ष बैठे हुए, हर्ष क्या कर रहे हैं? हर्ष हर्ष एक एक पार्टिकल, एक एक सैंड पार्टिकल उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं, एक एक, वन बाय वन, वन बाय वन सैंड पार्टिकल ये डाल रहे हैं इसके ऊपर। सुन लो पहले, प्रोसेस सुन लो, प्रोसेस सुन। अगर मान लो एक एक पार्टिकल आप डालोगे इसके ऊपर, कितना प्रेशर लगेगा? बहुत कम प्रेशर लगेगा ना, बहुत कम प्रेशर लगेगा। एक एक पार्टिकल डाल रहे, मान लो एक पार्टिकल से ये जरा सा बिल्कुल इतू सा नीचे आया, बहुत कम, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आया, फिर दूसरा डाला थोड़ा और नीचे आया, लेकिन क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और एक बीच की स्टेट में आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, ऊपर वाले एटमॉस्फियर और नीचे गैस, फिर एक पार्टिकल और डाला, एक पार्टिकल और डाला। अब इस प्रोसेस को मान लो हमको इस पिस्टन को यहां से यहां लाना है, इस पिस्टन को यहां से यहां अगर लाना है, ये हमें जर्नी कंप्लीट करनी है, तो हर्ष यहाँ पे बैठे हुए सैंड डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, है ना? बहुत टाइम लगेगा ना, इनफाइनाइट टाइम, स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम अभी इसको देख करके, ये इसके सैंड पार्टिकल्स एक एक करके पढ़ेंगे, इनको देख करके अभी हम बोल भी नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। एग्जाम्पल कुछ समझ में आया? हाँ, मतलब अगर आप कॉस को हटा देते हो, कॉस को हटाते हो तो ये फटाक से क्या होगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यही था, कॉस उसके रीजन को अगर हटा देते, ठीक है, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, इतना इतना चेंज हो रहा है क्या? अब अगर इरिवर्सिबल की बात करो तो इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा सिस्टम? अरे अभी नोट कर लेना, समझ में, एक साथ समझना, और क्या? अब मान लो ये पिस्टन हमने लगा दिया, गैस भरी हुई है, अब हमको लाना है इसको कहां से कहां तक? यहाँ पे लाना, यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट करनी है, यहाँ पे लाना है इसको, यहाँ से यहाँ तक लाना है, ठीक है। अब की बार हमने किसको बोला? अब की हमने मेधांश को बोला, मेधांश ने क्या किया? मेधांश ने क्या किया? 200 ग्राम की ब्रिक लेके आए, 200 ग्राम का इसके ऊपर रख दिया। ब्रिक जब आप रख दोगे इसके ऊपर लाकर के एकदम से प्रेशर लगा दोगे सडन एकदम, तो क्या होगा? ज्यादा प्रेशर आ गया ना एकदम से, तो रैपिडली ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? बहुत फास्ट हो जाएगा, फटाफट से क्या होगा? यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसको चाहो कि तुरंत ओरिजिनल स्टेट में ला सको तो ये रिवर्स नहीं हो पाता। अगर इसको चाहो तुरंत ओरिजिनल स्टेट, ऐसे सोचने में नहीं, सारी चीजों को रिवर्स करना है। जितने अभी हम थर्मोडायनेमिक, इसमें कुछ भी वेरिएबल अभी हमने नहीं पढ़ा,
जितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं वो सारे के सारे वही मिल जाए हमको, उस तरीके का रिवर्स अगर हमें करना है तो ये नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, और बहुत फास्ट होगा। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा चीज क्या होगा, फास्ट तो भाई फास्ट, दूसरी चीज है कि इसको हम बोलते हैं वन स्टेप, ज्यादा स्टेप नहीं है इसमें। वहां पे क्या था, मल्टी स्टेप, उसको छोटे छोटे कई पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि एक एक सैंड पार्टिकल बैठ के डाल रहे हो तो धीरे 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 नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही स्टेप में कहानी खत्म कर दी, 200 ग्राम रख दिया उसके ऊपर, पूरा पिस्टन क्या हो गया, नीचे आ गया, सडनली कंप्रेशन हो गया गैस। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस क्या होंगे, बहुत फास्ट होंगे, वन स्टेप होंगे, और ये पॉसिबल है। इस तरीके के प्रोसेस क्या हैं, या लिख सकते हो इन नेचर मोस्ट ऑफ द फिनोमिनन आर इर्रिवर्सिबल। ज्यादातर फिनोमिनन क्या होते हैं नेचर में, रिवर्स नहीं हो सकते, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में ही हम घूमते रहते। ठीक है, अरे अभी मैं नोट करवा दे रही हूँ, सब नोट करवा दूंगी। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन ईच पॉइंट, था ईच पॉइंट ऑफ प्रोसेस। अगर अलग अलग पॉइंट लो तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं दिखाई देगा आपको, अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करना चाहो तो इक्विलिब्रियम आपको नहीं दिखाई देगा, सडन हो गया प्रोसेस। अब कहां से नोट करना है बोल दो, शोर नहीं, ये हो गया, शोर नहीं करे, रिकॉर्डिंग में आवाज बहुत बेकार आती है आप लोग, शोर ना करे, शांति से लिखो। दोनों ही करेंगे, बट नेचुरल क्वेश्चन तो आपके दोनों ही आते हैं, बट नेचुरल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबली, वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रहा था, इसमें फाइनाइट टाइम लिख लीजिएगा, इरिवर्सिबल वाले में फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। मैदान से आए बैठे, 200 ग्राम रखा, टाइम नोट किया, हो गया प्रोसेस, सडन हो गया, हो गई स्लाइड। बातें करने में मेरी बातों में ना खोया करें आप, रिवर्सिबल में इनफाइनाइट टाइम था, इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर सकते थे, उसमें फाइनाइट टाइम था, इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में अगर इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही कर सकते हो, बीच में किसी पॉइंट पे नहीं कर सकते। नोट करो फटाफट, इस स्लाइड में है क्या जो इतना नोट कर रहे हो, कुछ है नहीं, दो लाइन लिखी हुई है,
टाइम का नहीं लिखा है ना इसमें, लिख लो टाइम का भी, फाइनाइट टाइम, इट कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। इम्पोर्टेंट है, बहुत शोर नहीं करें, आराम से शांति से समझे। शांति से समझे। इक्विलिब्रियम इज ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। जितने पॉइंट लिखे हैं सारे आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से बात को समझें। बात बात में बोलना, नोट करो फटाफट, बात बोलनी, काम नहीं करता है बात में। देवांशी नहीं, काम करो फटाफट, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, काम कर लो। बहुत टेंथ में आया था। हो गया, जल्दी करो। जिसको बहुत कम गुस्सा आता है उसको जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है। मुझे आता ही नहीं है गुस्सा, इन जनरली तो नहीं, बहुत कम नहीं, बच्चों पे तो आता ही है, घर पे नहीं आता। बच्चों पे आता है, ऐसी बात नहीं, इसलिए आपको डरने की बात है, ऐसी बात नहीं, ये मुझे आती है। ज्यादा लॉजिक मत निकालो, तुम तरह तरह के लॉजिक निकाल रहे हो। जी जी सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, जितने भी 10, 8, 10 जो भी इसमें। क्वेश्चन जब आता है तो कई बार बच्चा पहचान ही नहीं पाता है प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। वर्क का फॉर्मूला लगाएं कौन सा, इरिवर्सिबल का अलग फॉर्मूला, रिवर्सिबल का अलग है। अब बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, पहचानना तो है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, सडन हो रहा है, रैपिड हो रहा है, तो कौन सा है, इरिवर्सिबल। एक और पहचान है, यहाँ पे लिख लो, एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपको क्वेश्चन में क्या दे, पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है, तो मतलब क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट क्यों हो गया पूरे प्रोसेस में, एक ही बार में एक ब्रिक रख दी थी ना 200 ग्राम की, एक्सटर्नल प्रेशर पूरे प्रोसेस में क्या हो गया, मान लिया कि कांस्टेंट। वर्क निकालना सीखा जाए, चलो हो गया।
ज्यादातर गैस पे अपना काम गैस का ही है। नहीं, आइडियल गैस की सिचुएशन नहीं है। चलो अब हम लोग क्या निकालने चाह रहे हैं? बहुत डन बहुत डन। पहले निकालेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, देख ये रहा अपना सिस्टम, ये गैस है, अंदर की तरफ से पी गैस लगेगा, गैस प्रेशर लगाएगी, ऊपर की तरफ से पी एक्सटर्नल लग रहा है, जिसको हम पी ई एक्स टी लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, अगर सिचुएशन मानते हैं कि इक्विलिब्रियम की है तो दोनों प्रेशर क्या होंगे? लगभग इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक, अगर वर्क लिखना है हमें गैस के अकॉर्डिंग, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पी गैस इंटू डेल्टा वी, पी गैस इंटू डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। अगर किसी चीज को हमें लिखना है पी एक्सटर्नल के टर्म्स में, तो क्योंकि पी गैस के अपोजिट है पी एक्सटर्नल, तो यहाँ पे साइन आ जाता है माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी है वी टू माइनस वी वन, या इसको लिख सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ, इस प्रोसेस गैस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। नहीं, अभी बताते हैं कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है इरिवर्सिबल के लिए? इसके अलावा और कोई फॉर्मूला वर्क का नहीं लगाना है। माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कोई दिक्कत? बोले बच्चे। पी गैस, गैस इधर से प्रेशर लगा रही है ना, गैस अगर वर्क कर रही है मान लो, दोनों इक्वल है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कैलकुलेट कर। आप देखो इस कुछ बोल रहा, इस फॉर्मूला का एक फॉर्मेट और है, इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। नोट हो गया सबका? ये आपका क्या पढ़ते हो आप ऐसे? ये क्या है? ठीक डेल्टा भी लिखोगे, डीवी लिखोगे, डीवी लिखोगे ना यहाँ पे। पी एक्सटर्नल ये फॉर्मेट भी आपको मिल सकता है ना। हमारा काम तो सही बन जाएगा पिछले वाले फॉर्मूला से, बट अगर कहीं पे इक्वेशन वगैरह दी हो तो आपको ये प्रोसेस जो मैथमेटिकल फंक्शन है इंटीग्रेशन वगैरह करने पड़ सकते। क्वेश्चंस ऑफ एडवांस यहाँ पे नहीं आएंगे, मेंस में नहीं मिलते हैं आपको, पे मिल सकता है। इक्वेशन वगैरह दियो इंटीग्रेट करना पड़े तो वो उसके लिए आप फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। हाँ, इरिवर्सिबल के लिए कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो यही लगाएंगे। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूला को देखो, ये है माइनस पी एक्सटर्नल और यहाँ पे है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मान लो प्रोसेस में हो रहा है
मान लो प्रोसेस में हो रहा है कंप्रेशन, ये वी फाइनल है और ये क्या है वी इनिशियल। शुरू में वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम कितना हो गया इतना, तो प्रोसेस में क्या हो गया, गैस क्या हो रही है कंप्रेशन हो रही है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो फाइनल तो छोटी वैल्यू है और इनिशियल क्या है बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव कैसे आएगी, ओवरऑल ये वैल्यू डेल्टा भी तो नेगेटिव आ जाएगी ना, फाइनल छोटा है तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगी तो वर्क कैसा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। कोई दिक्कत, यानी गैस का अगर कंप्रेशन हो रहा है तो गैस के कंप्रेशन में वर्क कैसा आता है पॉजिटिव, गैस के कंप्रेशन में वर्क कैसा आता है पॉजिटिव, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क ऑन द गैस, या बोल सकते हो वर्क ऑन द सिस्टम। अब ये सब बार बार एकदम क्लियरिफाई करके इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में इसी में घुमाते हैं आपको, पता चला क्वेश्चन में पूछा है वर्क बाय द गैस और आप क्या निकाल के आ रहे हो वर्क ऑन द गैस, तो साइन का चेंज आ जाएगा, वैल्यू वही आएगी। वर्क डन क्या आ गया अगर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या क्या डिनोट करेगा कि हो रहा है कंप्रेशन, वर्क किसके ऊपर हो रहा है गैस के ऊपर हो रहा है, वर्क किसके ऊपर हो रहा है सिस्टम के ऊपर हो रहा है। और इसका अपोजिट भी पता है, अपोजिट भी लिख लें, अगर फाइनल बड़ा कर दो एक्सपेंशन हो रहा होगा तब। ये नोट हो गया, हम इसके बाद हम रिवर्सिबल के लिए भी ये करेंगे। रिवर्सिबल के लिए एक फॉर्मूला है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह लगाएंगे, आइसोथर्मल वगैरह कंडीशन लगाएंगे। कि वर्क की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू नहीं मैग्नीट्यूड पूछ लें आपसे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भी एक्सटर्नल डेल्टा भी है ना, वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछ लें। अगर आपको कभी कभी ऑप्शन से प्लस माइनस करके दे देते हैं तो फिर तो आपको जरूरत पड़ती है। हाँ आपको वॉल्यूम की कंडीशन दी होगी ना, क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज, सारी चीजों का एक ही मतलब, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है उसका मतलब है कंप्रेशन, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब है वर्क हो रहा है गैस के ऊपर ऑन द गैस, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क ऑन द सिस्टम, तीनों चीजों का मतलब क्या है एक ही है। अब क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ कंप्रेशन, अगर एक्सपेंशन की बात कर लो, इसको कंप्रेशन लिख लिया है ना, नहीं लिखा भाई, हाँ बोलिए बोलिए। तो अपोजिट करना पड़ेगा, इसी कंप्रेशन केस है आपका, कंप्रेशन का आपको पता है वर्क ऑन द गैस हो रहा है, पर अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्क बाय द गैस तो आप आंसर क्या बताओगे, साइन बिल्कुल रिवर्स करते, वर्क बाय द गैस क्या हो जाएगा, जितनी भी वैल्यू आई है मान लो -50 जूल आई है तो वो वैल्यू आप क्या बताओगे +50। इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज में कई बार घुमाया गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वी इनिशियल ये था, वी फाइनल ये है ना, प्रोसेस वही है इरिवर्सिबल, वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, क्या हो रहा है इसका मतलब गैस का एक्सपेंशन, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपका तो इस केस में वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
तो वैल्यू क्या आएगी वर्क की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्क बाय द गैस, गैस वर्क कर रही है, इधर से गैस वर्क कर रही है तभी क्या हो रहा है एक्सपेंशन। मीनिंग भी समझते जाओ, गैस वर्क कर रही है पिस्टन को ऊपर कर रही है तो एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर ऊपर से प्रेशर लगा के हम गैस पे वर्क कर रहे हैं तो कंप्रेशन। वर्क ऑन द गैस, वर्क बाय द गैस। इसमें नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव आया था, नेगेटिव कहाँ है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी फिजिक्स में पढ़ा नहीं है ना आपने, फिजिक्स में जस्ट क्या होगा, वर्क का साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट, क्योंकि वहां गैस के रिस्पेक्ट में नहीं चलेंगे, वहां पे सराउंडिंग के साथ रिस्पेक्ट में लेते हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग लेते हैं। इसलिए फिजिसिस्ट का देखने का तरीका क्या है अलग। नोट हो गया। अब हम आ जाते हैं रिवर्सिबल पे आ जाते हैं। इरिवर्सिबल की बात हो गई, अब रिवर्सिबल पे। हाँ, वर्क डन इन रिवर्सिबल पर, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। पहला फॉर्मूला देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप प्रोसेस को मान रहे हो, पीवी कर्व हम देख रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस को हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मान लिया, ठीक है। प्रोसेस को हमने बहुत अगर छोटे छोटे पार्ट्स में मान लिया, तो इसमें जो वर्क डन निकालते हो वो आता है माइनस सिग्मा पी इंटू वी, माइनस सिग्मा पी इंटू वी, यानी कि सारे प्रोसेस में पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, एड अप करेंगे। ये एलिमेंट्री फॉर्मूला, ये यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां पे भी वो फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा वाला? P एक्सटर्नल dV, V1 V2, V फाइनल या V इनिशियल भी लिख लो। दो माइनस लगा दिया मैंने, बाहर ले लिया ना, बाहर ले लिया तो ठीक है। अब देखो, एक आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे। अभी आपने वो गैस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. बादल क्या हुआ? बादल अच्छा, PV is equal to nRT. ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम इसमें से, इस इक्वेशन से हम P निकालेंगे। P is equal to nRT by V लिख सकते हो आप, ठीक है। N है यहाँ पे moles of gas,
आर है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, टी है टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। हाँ V वॉल्यूम ऑफ गैस। ये लिख लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन से P निकालेंगे हम लोग, P की वैल्यू यहाँ रखेंगे। रखें वैल्यू रखें। प्रेशर की वैल्यू रखते हैं ये वाली यहाँ पे। आपको फाइनल फॉर्मूला भी याद है तो हाँ आपका काम हो जाएगा। आपको ये जो लंबी लंबी वाली डेरिवेशन होती है ना, ये किस में काम आती है? फिजिक्स। फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह काम आता है, वो यहाँ डेरिवेशन का कोई काम नहीं है। बस आपको इसलिए आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि फॉर्मूला निकला कहाँ से, डेराइव कहाँ से हुआ, किस स्टेप से शुरुआत हुई है। क्योंकि बाय द वे अगर एडवांस का कोई क्वेश्चन इस तरीके का बन जाए जिसमें इंटीग्रेट वगैरह करना पड़े तो आपको फाइनल रिजल्ट पता है और शुरुआत कहाँ से हुई है ये नहीं पता, तो आप उसमें मामला खराब करके ही आओगे। ठीक है, अब इसका इसको हम इस फॉर्मेट को हम दूसरे तरीके से लॉग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको अगर लॉग के फॉर्मेट में लिखोगे तो बन जाता है आपका ये जल्दी करो समृद्धि, तुम्हारी स्पीड बहुत ही कम है भाई। लॉग के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे इस फॉर्मूला को तो ये बनेगा माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। एन एल एन जानते हैं, नेचुरल लॉग जानते हैं, एल एन नहीं, एल एन इंस्टीट्यूट नहीं, नेचुरल लॉग। एल एन को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग, या बोलते हैं बेस ई। ऐसा लॉग निकालते हैं जिसका बेस क्या है? ई है। लेकिन हमें ई वाले बेस में क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, किसके फॉर्मेट में कर पाते हैं? बेस 10 में। तो इसको बेस 10 में चेंज कर देते हैं। बेस 10 में अगर चेंज करना है नेचुरल लॉग को तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.303 एन आर टी log v final by v initial। अब ये बन गया base 10 log। ये formula, ये final result हमको याद रखना है, ये वाला। ये है आपका, ये formula कब लगाओगे? जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और रिवर्सिबल में भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। मतलब प्रोसेस कैसा हो? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, अभी याद भी करवा देंगे आपको। अभी बताते शांति पुत्र पुत्र शांति। आप देखो क्लास सुनिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें V फाइनल और V इनिशियल की जगह प्रेशर दिए हो तो इस फॉर्मूला का एक फॉर्मेट हल्का सा और है जिसको हम चेंज करके लगा सकते हैं।
ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको वी फाइनल वी इनिशियल ही दिया होगा, लेकिन अगर वी फाइनल वी इनिशियल के लिए अगर आपको ना दिया हो, प्रेशर दिए हो, तो आप कैसे क्वेश्चन को डील करोगे? देखो ध्यान से, अगर प्रोसेस में टेम्परेचर है कांस्टेंट तो प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल। ये बात सबको याद है? परी आवाज नहीं आनी चाहिए, ये बात सबको याद है? अब आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है ना, उसके लिए एक कंडीशन होती है, P इनिशियल इंटू V इनिशियल इज इक्वल टू होता है P फाइनल इंटू V फाइनल। ये डेराइव्ड फॉर्मूला है, एक लॉ है, बॉयल ने दिया था, बॉयल्स लॉ। हमने अभी गैसेस स्टेट पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी बोल सकते हैं, P इनिशियल इंटू V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इंटू V फाइनल। ठीक है, तो अगर इस प्रोसेस से देखो आप, तो V फाइनल बाय V इनिशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से V फाइनल बाय V इनिशियल की वैल्यू अगर निकालोगे तो P इनिशियल बाय P फाइनल आएगी। देख पा रहे हैं सब लोग? अब ये P इनिशियल बाय P फाइनल यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए दूसरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जिसमें हम क्या लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में हमारे वॉल्यूम ना दिया हो तो क्या करोगे? बोलोगे हमें नहीं आता है, क्या करेंगे? प्रेशर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, V फाइनल की जगह क्या जाएगा? P इनिशियल, और P फाइनल कहाँ पे आ जाएगा? ठीक है, याद ऐसे रखेंगे कि जस्ट क्या हो जाता है। सोहम कहाँ ध्यान है, जल्दी नोट करें, सवाल करवाए ना, नोट करें। तो ये बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ। हाँ जी, किसमें? उसमें एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। वो प्रोसेस एकदम क्या है, एक स्टेप में कर दिया गया, वन स्टेप प्रोसेस है। हो जाएगी इन बिटवीन, इन बिटवीन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सवाल कर लें, एक दो क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्या पता लगेगा कि आपको कुछ आता भी है या कुछ आप सीख पाए या लॉग की वैल्यू रखेंगे ना। ये हो गया नोट, तो बता दें या तो क्वेश्चन में दी होगी या सिंपल वाले लॉग की वैल्यू क्या है, हम लोग याद करेंगे सिंपल सिंपल। जैसे लॉग 10 अगर आता है तो वैल्यू होती है 1, लॉग 2 की, 3 की, 4 की, ये याद रखनी होगी। लॉग 2 की होती है 0.3010, लॉग 3 की बोलो, ये सब इक्विलिब्रियम में काम आएगी, रट लीजिए ये 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 3 की शायद होती है 0.4771, याद नहीं है, आप गूगल से मुझे भी डालना तो आप ये लर्न करने, मतलब 4-5, हाँ पूरी केमिस्ट्री में यही 4-5 से काम बन जाता, वो काम बन जाता है। 9 की भी नहीं करनी, लॉग में जैसे मान लो, लॉग में आपको ऐसे लिखा हुआ है, लॉग 9 लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं, फॉर्मेट लॉग 3 की पावर 2 कर देते हैं, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये फ्रंट में आ जाती है, 2 लॉग 3 आ जाएगा। तो ये लॉग 3 की वैल्यू अगर पता है आपको तो यहाँ पे लॉग 3 की वैल्यू लगा के अपना काम बना सकते हैं। जैसे 4 की मैंने नहीं लिखा, 4 को क्या लिख देंगे, 2 raised to power 2, फिर वो 2 log 2 आ जाएगा, मतलब log 2 की जो वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो log 4 आ जाएगा,
ऐसे करके 7 की है पॉइंट और 5 की बोलो 0.69 और इसकी 3 की सही है। ठीक है, इतनी याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम में भी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ जी, सवाल कर लो दो चार। हाँ, वो बताया तो वहां पे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है और ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, इसको तोड़ तोड़ के कई पार्ट्स में डिवाइड करके निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लगा सकते हैं, वहां पे नहीं लगा सकते। चलिए सवाल कर लिया जाए, क्वेश्चन लिखिए। टू लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर 10 एटीएम, एट अ प्रेशर 10 एटीएम, प्रेशर कितना है 10 एटीएम, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, इनटू वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, मुझे बचपन से नहीं आती है, अंटिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स, 2 से कितना हो जाएगा 10 लीटर्स। वर्क बताना है, वर्क डन इन प्रोसेस, आप नहीं करेंगे मैं बता रही हूँ, है ना, ध्यान से सुनो बच्चा पार्टी। कभी भी अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है और वैक्यूम में हो रहा है, वैक्यूम का मतलब वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई गैस नहीं है, पी एक्सटर्नल जीरो है, पी एक्सटर्नल क्या है जीरो, पी एक्सटर्नल की वैल्यू हम लोग मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, चाहे आइसोथर्मल हो चाहे वो वाला हो आपका रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों में बेसिक फॉर्मूला तो वही था, है ना, क्या यूज करते थे हम लोग, माइनस पी एक्सटर्नल फिर इंटीग्रेशन डीवी, यही तो यूज करते थे हम लोग, है ना। तो पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया, आपका वैक्यूम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं फ्री एक्सपेंशन, क्या नाम देते हैं फ्री एक्सपेंशन, और जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो पी एक्सटर्नल क्या होगा जीरो, प्रेशर क्या हो गया जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में, देखो आइसोथर्मल बोल दिया इन्होंने, आइसोथर्मल के लिए भी कहानी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए भी कहानी हमने यहीं से शुरू की थी, पी एक्सटर्नल डी बी माइनस V2, V1 ये लिमिट थी आपके, तो पी एक्सटर्नल जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ऊपर वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही हूँ, ऊपर वैक्यूम है तो ऊपर से कोई प्रेशर लग नहीं रहा, तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया जीरो। इस प्रोसेस को जब भी वैक्यूम में एक्सपेंशन होगा गैस का, तो नाम दिया जाता है उसको क्या, फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर कोई है नहीं, तो ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वर्क जीरो नहीं हो जाएगा,
क्लियर है पॉइंट? क्या वे कर गए? अगले सवाल में यूज करेंगे ना इसको, नोट कर लिया तो बोलें जल्दी से। तो जैसे ही आपको वर्ड दिखाई दे वैक्यूम, आपका क्या होना चाहिए? एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए। जीरो नहीं, देखते ही नहीं, मतलब क्या दे रहा है, डेटा वेटा देखेंगे क्या चीज। हाँ, वैक्यूम में पी एक्सटर्नल क्या होगा जी? हमेशा चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन इसी में। कंसीडर सेम एक्सपेंशन, उसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में कंसीडर सेम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो सेम हो रहा है बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल ले लिया, कितना दिया हुआ है कॉन्स्टेंट प्रेशर 1 atm। अब वर्क निकालना है, नहीं प्रेशर दे दिया ना आपकी बार, हेट आ रहा है, सबको निकाल, सबको निकाल। आंसर लीटर एटीएम में ही रखेंगे, अब लीटर एटीएम दिया हुआ है, निकाला जाए बच्चों, निकाला जाए। क्या लगा रहे हैं हम लोग वर्क का फॉर्मूला? यही तो लगा रहा है, यही तो लगा रहा है। पी एक्सटर्नल 1 atm हो गया और डेल्टा वी क्या लगा दें? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2 liter था। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 10 liter। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? वो पहला केस कितनी आएगी वैल्यू? एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क कौन कर रहा है? लीटर 80। हाँ क्या हो गया? हाँ अच्छी बात है, कोई दिक्कत? अब देखो वर्क की यूनिट देख लो, वर्क की यूनिट क्लास बोर्ड पे ध्यान दे बच्चों। जैसे लीटर एटीएम है हमारे पास है ना, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना, 1 liter एटीएम इज इक्वल टू होता है 103। चेक करना पड़ेगा डेटा में, मेमोरी से डिलीट हो रहा है। क्या कर रही हो शैतानी? शैतान आत्मा मल्टीप्लाई है भाई, लीटर एटीएम मल्टीप्लाई है लीटर एटीएम। 101.3 जूल
101.3 का डेटा मुझे याद आ रहा था, 101.3 जी, 101.3। चलो इसी केस में अब तीसरा केस बनाते हैं, इसी में थर्ड केस। सेम क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ कंसीडर सेम एक्सपेंशन, कंसीडर सेम एक्सपेंशन टू फाइनल वॉल्यूम 10 liters, कंसीडर सेम एक्सपेंशन टू फाइनल वॉल्यूम 10 liters। पहले कितना था वॉल्यूम, 2 liter था, फिर कितना हो गया, 10 liter हो गया। कंडक्ट रिवर्सिबली, पहले भी यही था, पहले कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट दिया था ना क्वेश्चन में, मैंने क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, कुछ लैंग्वेज लिखवाई थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में कांस्टेंट, पूरे प्रोसेस में क्या होगा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया, सीधे सीधे क्या लिख दिया, रिवर्सिबल। टेम्परेचर के बारे में जब इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। प्रोसेस में अगर बोला नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या ले लेंगे, टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी मतलब एक ही टेम्परेचर पे पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो लगा दो जल्दी से फॉर्मूला, अब इसको आपको लगाना है किससे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको क्वेश्चन से खुद से समझना है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं है। कहीं कहीं पे लिख देंगे आइसोथर्मल पर कहीं कहीं पे नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे ना रिवर्सिबल आइसोथर्मल का भी जो बताया, ये वाली सिचुएशन लेनी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, बी फाइनल था ना, एनआर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो पहले वाला पुराना वाला लगाओ, फिर मोल वोल नहीं दे रखा है कहीं, सुनो एनआरटी की जगह पी इंटू बी लगा सकते हैं ना, PI into VI लगा सकते हैं या PF into VF लगा सकते हैं, दोनों कांस्टेंट है, इक्वल है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये होता है ना, एक प्रेशर उसी प्रेशर पे वॉल्यूम पता हो, एक प्रेशर उसी प्रेशर पे क्या पता हो, वॉल्यूम पता हो, तो लगा सकते हैं कोई भी दोनों में से कोई एक लगा दो। अभी फाइनल वॉल्यूम क्या है 10 liter और फाइनल प्रेशर क्या था, यही ये वाला 180 कंसीडर कर लो, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पीएफ इनटू वीएफ की, वो वैल्यू यहां लगा सकते हैं एनआरटी की जगह, एनआरटी की जगह आप पी इनिशियल वी इनिशियल भी लगा सकते हो, पी फाइनल वी फाइनल। हां ये तो पीआई और पीएफ जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन तीनों क्वेश्चन कंबाइंड, ठीक है तीनों क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, कंडीशन अलग अलग करी है, पहली वाली जो सिचुएशन थी उसमें प्री एक्सपेंशन दे दिया था, पी एक्सटर्नल जीरो कर दिया,
दोबारा में क्या किया इन्होंने, एक प्रेशर दे दिया 180 का। तीसरी बार में उसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर हो रहा है, पहले केस में भी 10 लीटर हो रहा था, और एक टर्म जोड़ दिया बस रिवर्सिबल। टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने क्या समझा कि प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला इसलिए हम लगा रहे हैं, हमारे पास ना तो मोल है ना टेम्परेचर, क्वेश्चन में ना तो मोल दिया है और ना ही टेम्परेचर दिया है, तो हमें एनआरटी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। एनआरटी हम गैसेस इक्वेशन से निकालेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब वो पीवी पी इनिशियल वी इनिशियल भी ले सकते हैं, पी फाइनल और वी फाइनल भी ले सकते हैं। ये वी फाइनल है, ये वी फाइनल है, फाइनल में ये प्रेशर हो रहा, वॉल्यूम हो रहा है। पी इनिशियल पी फाइनल ले लो, ये वाला 180 एम, ठीक है, यही प्रेशर कंसीडर करेंगे। और आपका वी फाइनल और वी इनिशियल तो आपको पता है, ये 10 लीटर और 2 लीटर था ना शायद शुरू में, तीनों क्वेश्चन कंबाइंड है आपने कहा। हाँ जी, फ्री एक्सपेंशन क्यों होगा, प्रेशर दे दिया है, पिछले केस से लेना है, पिछले केस को कंसीडर करना है। चलो मैं करूं ये था एनआरटी लॉग वी फाइनल वी इनिशियल। अब वैल्यू आप लोग बोलिएगा, ये था ना, ये क्या था 10, ये 2, वी फाइनल कितना था 10 लिया था हमने, और पी फाइनल 180, ये लॉग 5 हो जाएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, लॉग 5 की वैल्यू अभी निकाली थी कितनी थी, 0.69 लगा दें। हाँ आप थोड़ी खतरनाक सी कैलकुलेशन आ जाएगी। हाँ बोलिए। नहीं, सिचुएशन हम ये मान रहे हैं कि सिचुएशन जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, प्रेशर जो होंगे बाहर और अंदर वाले, इनमें जो डिफरेंस होगा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी भी आती है जो दोनों में डिफरेंस हो डीपी, तो डीपी बहुत छोटा होता है, इसलिए दोनों को हम इक्वल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो भी वैल्यू रखी है उसमें आया इनका 16.1 लीटर एटीएम। ठीक है, 23 का हाफ कर दिया इन्होंने, तो 16 कैसे आ रहा है, हाफ से थोड़ा ज्यादा। हाँ हाँ जी, किसकी आवाज है ये, हाँ तो शीत बोलिए। वॉल्यूम अगर इनिशियल ले लोगे तो वो वाला इसलिए नहीं ले रहा ना, क्योंकि वहां पे इन्होंने प्रेशर में फ्री एक्सपेंशन दे दिया था, उसका प्रेशर ही नहीं है हमारे पास। क्या अच्छा 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 समझ गई, क्या दिया, क्या दिक्कत है,
गार्गी इस प्रेशर के बारे में कह रहे हो आप? टू लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर 1080 एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, है ना? ये गैस का प्रेशर था इनिशियली, तो इनिशियल वाली कंडीशन को हमने क्या किया है, कंसीडर ही नहीं किया। इनिशियल वाले को से हमने क्या लिया है, केवल वॉल्यूम लिया, क्योंकि प्रेशर में एक बार प्री एक्सपेंशन हो रहा है, ये चीजें हो रही है, इसलिए हमने इनिशियल की कंडीशन को कंसीडर ही नहीं किया। इसमें छोटे छोटे से ना प्रेशर में चेंजेस होते हैं, तो थोड़े से इसमें क्या होते हैं, बेसिक एजम्पशंस भी होते हैं, इसलिए फॉर्मूला पे हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला पे हमें चिपकना पड़ता है, स्टिक करना पड़ता है। जी शोर ना करें बिल्कुल। चलिए सवाल करिए एक और। ये सिग्मा पीवी वाला, क्योंकि अलग अलग फिर अपने को हर पॉइंट पे चाहिए ना, ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल का मतलब कई सारे वो हो गए ना, कई सारे स्टेप्स हो गए, तो इनफाइनाइट स्टेप तो दिया नहीं है, शुरू इसका यहीं से हुआ, लेकिन फिर सारे छोटे स्टेप की चीज दी होनी चाहिए तब निकाल सकते। हाँ समृद्धि बोलो। आद्य का नहीं, सभी का यही सवाल है। बोलो बोलो। हम जो पिछला वाला क्वेश्चन था, मैंने जो उसमें इन्होंने वाले केस में इन्होंने प्री एक्सपेंशन ऐड कर दिया था ना, इसलिए फिर उस कंडीशन को हमने क्या करा, छोड़ ही दिया। चलो बैग वैग ना पैक करो, एक सवाल करो बढ़िया सा, सुंदर सस्ता सुंदर टिकाऊ, तुम्हारा ध्यान इसी पे है। अब इसमें प्रोसेस को पहचानना है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा प्रोसेस एडियाबेटिक है, कौन सा किस तरीके का प्रोसेस है, आइसोबारिक है, चार पांच प्रोसेस में बनाऊंगी वो देखेंगे आप क्या है। साक्षी पांडे, पानी पीजिए। बच्चे शांति बनाए रखें। साइक्लिक प्रोसेस है, देख पा रहे हैं सब लोग, ए से बी पे गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ठीक। टेम्परेचर एट ए बी एंड एफ इज T1, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर एट ए बी और क्या था, ए बी एंड एफ इज T1। ए बी और एफ पे टेम्परेचर क्या है, तीनों पॉइंट पे T1 है, और बाकी जो तीन पॉइंट है उस पे टेम्परेचर है T2। ये क्वेश्चन में गिवन है, कौन कौन से तीन पॉइंट बचे, सी डी और ई, इस पे क्या है टेम्परेचर T2, और T1 बड़ा है T2 से। अब आपको एक एक करके प्रोसेस को पहचानना है, प्रोसेस में ऑप्शंस हैं आपके पास, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। जैसे ए बी प्रोसेस कैसा होगा, ए टू बी वाला जो प्रोसेस है ये कैसा होगा, इसके बारे में ए टू बी वाला प्रोसेस,
और कुछ सोचो आराम से। ग्राफ भी किसी वजह से बनाया गया है, ग्राफ को भी देख लो, नजर इनायत कीजिए उसमें। ए से बी जाने में और क्या कांस्टेंट दिख रहा है ग्राफ में? वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट दिख रहा है? प्रेशर, ये प्रेशर की लाइन है, ए से बी जा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है ना लाइन को। ए से बी, ए बी को पूछ रहे हैं ना। ए पे टेम्परेचर टी वन, बी पे टेम्परेचर टी वन, तो आइसोथर्मल तो पहले ही निकल गया। ये प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। दूसरी बात हमने कहां से निकाली? ग्राफ से निकाली। ए से बी पे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ये प्रेशर है ना इधर की तरफ, तो प्रेशर क्या है पूरे प्रोसेस में? कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल भी है प्रोसेस और आइसो बार। कोई दिक्कत? अब बी टू सी को बताओ। चलो B to C के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप? टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ग्राफ भी देखो, प्रेशर कम हो गया और टेम्परेचर चेंज हो रहा है B से C में। टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? B पे टेम्परेचर है T1, C पे टेम्परेचर है T2। T1 बड़ा है, T2 छोटा है। B पे टेम्परेचर T1 है और C पे क्या है टेम्परेचर? T2। और आपको पता है T1 is greater than T2, यानी टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ये बात समझ आ रही है सबको? टेम्परेचर एडियाबेटिक कैसे होगा? टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एडियाबेटिक नहीं हो सकता ना। अब बोलो वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है? देखो बी टू सी में वॉल्यूम क्या हो रही है? यहाँ पे वॉल्यूम था, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ रहा है ना वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये वी वन है, ये ये VB है, ये VC है ना? तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो गैस का क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा गैस का? एक्सपेंशन। तो BC प्रोसेस को लिखेंगे एक्सपेंशन। हाँ एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ठीक है। गैस का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। और दूसरी कंडीशन इसमें, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास ये थे, इनमें से लेने आइसोथर्मल और क्या था? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक तो है नहीं, और एडियाबेटिक। तो ये प्रोसेस जो हर्ष कह रहे थे एडियाबेटिक भी। एडियाबेटिक का एक्सप्लेनेशन नहीं है एडियाबेटिक में, बस क्योंकि चारों ऑप्शंस में से आपको लगाना है इसलिए हमने लगाया। सारे प्रोसेस में या तो ये आना है या ये आना है, ये ऑप्शंस इस तरीके से दिए हैं। तो ना तो ये आइसोथर्मल है, ना आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो क्या बना दिया हमने इसको? एडियाबेटिक बना दिया। वैसे तो गलत बात है, और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सी टू डी को बोलो। C to D में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो गया प्रोसेस? आइसोकोरिक। और कुछ दिख रहा है C to D में? और कुछ भी दिख रहा है? आइसोथर्मल। C और D का टेम्परेचर सेम है ना,
इजी सवाल है ना करवाए। डी टू ई बोलो, डी टू बी में प्रेशर सेम है डी टू ई में और टेम्परेचर भी सेम है, आइसोथर्मल भी है और आइसोबारिक भी है भाई। ई टू एफ बोलो, ई टू एफ को फिर से भाई निकाल दिया हमने। ई टू एफ में क्या हो रहा है, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, शुरू में ये वॉल्यूम है बाद में वॉल्यूम क्या हो गया कम हो रहा, तो कंप्रेशन तो है ही है और क्या है धीरे से बोल रही हो। F टू A में आइसोकोरिक ठीक है, मैंने जैसे लिखा है आप ऐसे नहीं लिखेंगे, लाइन से तरीके से लिखेंगे ऐसे ही। हाँ पागल हो बच्चे, शांति करें। हाँ गार्गी बोलिए। हाँ क्या ऐसे 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 कह रहे हो, ये हमने ये अभी मैंने बताया ना ये, क्योंकि इसमें ऑप्शंस अपने को क्या करने थे, सारे में एक एक ऑप्शन चूज करना था, तो उस बेसिस पे हमने कर दिया। एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ तो आता नहीं है। नहीं दो मिनट लास्ट, दो मिनट लास्ट। अभी तुम क्या कर रही थी, सोते रहते साइक्लिक प्रोसेस में वर्क देख लीजिए कैसे। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क का साइन थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैसे कैसे साइन मिलेंगे। साइक्लिक प्रोसेस अगर हो रहा हो क्लॉकवाइज कैसा हो रहा हो, तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो साइक्लिक प्रोसेस तो वर्क डन कैसा आएगा। साइन याद रखेंगे साइक्लिक का, ऐसे ऐसे या ऐसे, ये अच्छा सा सर्कल है आप अच्छा सर्कल है, ये साइड ये क्लॉकवाइज हो गया, अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा। वी वन वी टू और यहाँ पे प्रेशर है इस पॉइंट पे पी वन, यहाँ पे प्रेशर है पी टू, नोट करो डॉट बनाओ फटाफट जल्दी से। पी वन वी टू, वी वन वी टू इस पॉइंट पे, इस प्रोसेस में निकालना है वर्क ठीक है। हाँ साइक्लिक प्रोसेस में जब वर्क निकालते हैं तो ये जो एरिया आता है यही होता है वर्क, साइक्लिक में ये जो एरिया आता है यही क्या होता है
ये एरिया क्या हो जाएगा? अब एरिया कैसे निकालोगे? एरिया कैसे निकालोगे बोलो? इसका एरिया क्या होगा समृद्धि? बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन कर रहे हो आप क्लास में। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, है ना? आर कैसे निकाले हम लोग? आर अगर देखो तो ये भी ले सकते हो, ये सर्कल है ना, तो हाफ ही तो होगा। ये पूरा डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है ना, तो डायमीटर क्या है? डायमीटर है आपका कितना? वी टू माइनस वी वन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ वी टू माइनस वी वन हो जाएगा ना। और पी वन पी टू से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते थे, रेडियस सेम होगी ना। पी टू माइनस पी वन का हाफ कर दीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब आपका ऑप्शन जिस फॉर्मेट में दिया हो उस फॉर्मेट में ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन लिख रहे हैं। अब ऑप्शन आप बताएंगे फटाफट से। हाँ बस एक मिनट, बस आंसर लिख रहे हैं, आप बता देंगे और काम। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ऑप्शन लिखो फटाफट से, बताओ। आप इतने अच्छे बच्चे हो, हाँ मुझे उम्मीद है कि आप आंसर दे के ही जाओ। शोर ना करें। अरे सारे ऑप्शन तो लिखने दो ना, लिखो ऑप्शन ना लिखने दो तुम। शोर नहीं करें, कोई किसी की आवाज लगातार आ रही है, मैं बता रही हूँ। बोलो भाई क्या क्या सही है? सर क्या दिया इन्होंने? हम मार्टी कर रहे थे, लग तो मुझे भी यही रहा। हम फिर अति ए बी और सी हो जाएगा। डी नहीं है, ये पता नहीं क्यों ए बी दे रहा है, मुझे तो सी भी बन रहा है। ए और बी तो हो ही रहा है ना। अब वो वैल्यू पी टू माइनस पी वन बाई टू और वी टू माइनस वी वन बाई टू भी तो ले सकते थे, तो सी भी होगा, सी भी सही। ये नहीं मल्टी कर, आप शोर नहीं करेंगे, सक्षम को बता रही हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं जिसको जाना हो बिना शोर के, ठीक है? जिसको जाना है वो जा सकता है। क्लास आपकी ऑफ होगी बिना